प्रिय छात्रों एवं छात्राओं नमस्कार। मैं दिलीप सर, सदाशिव आदर्श इंटर कॉलेज तराऊ गाजीपुर, विषय गणित और विज्ञान का अध्यापक हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 विषय गणित का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। तो चलिए, प्रश्न संख्या 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो अधिकतम संख्या पूछा गया है, तो कभी भी अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें यस्यप की जरूरत पड़ता है। तो यस्यप ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले स्तंभों की अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या 616 और 32 का HCF होगा। यह सब ज्ञात करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। विभाजन प्रमेय से इसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस फार्मूला का प्रयोग करने के लिए पहले हमें एक रब कार्य पर समझना होगा। तो चलिए, रब कार्य है, तो रब कार्य पर हम बड़ी संख्या 616 में 32 से भाग देंगे। भाग देने पर 1 बढ़ जाएगा, 32 होगा, 11 में से हम 2 घटाएंगे, 9 होगा, 5 में से 3 घटाएंगे, 2 होगा। देख रहे हैं कि अभी एक संख्या बाकी है डिवाइड करने के लिए, उस संख्या को उतारेंगे, 6 उतर गया। 6 उतारने के बाद यह पुनः 9 बढ़ जाएगा, तो 32 नवा 288 होता है। ये घटाने पर 16 में से 8 जाएगा, 8 ये हो जाएगा 8, 8 में से 8 जाएगा 0। यानी कि फर्स्ट स्टेप में हमें प्राप्त हुआ है कि बड़ी संख्या यानी कि भाज्य में 616 में भाजक 32 और भागफल 19 और शेषफल 8 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखना है कि जो हमारा शेषफल प्राप्त हुआ है 8, ये 0 के बराबर नहीं है। शेषफल इक्वल टू नॉट 0। तो हमारा फर्स्ट स्टेप में था, सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पर देखा जा रहा है कि अभी 32 जो संख्या है वो बाकी है और पूर्ण रूप से शेष नहीं प्राप्त हुआ है। तो पुनः हम 8 से
32 में भाग देंगे तो 8 चौका 32। यहाँ पर देखने को ये मिला कि शेषफल 0 के बराबर हो गया। यहाँ पर हम पुनः 32 में भाजक 8 है और भागफल 4 है और शेषफल 0। तो यहाँ पर हमें 0 शेषफल प्राप्त हो गया है। तो 0 शेषफल प्राप्त हो गया है तो शेषफल इज इक्वल टू 0। अतः छः सौ सोलह और 32 का एच सी एफ बराबर 8 होगा। ये हमारा आंसर होगा। तो आज हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 3 हल किए और कल आप लोग को मिलेगा कि प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। धन्यवाद।